नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कोवेनेंट स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में। नाज़रीन, ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जो बिला तख़सीस तमीज़ मज़हब यहाँ अहले इलाका के लिए तालीम की सहूलत फराहम कर रहा है। यहाँ पर हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिन्हें बग़ैर किसी मुआवजे के तालीम दी जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें स्कूल की तरफ से निसाबी कुतब और साल में दो दफ़ा यूनिफॉर्म भी मुहैया किए जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत खिदमत को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत पंजाब के अदारे वासा ने इस स्कूल की दीवार के साथ अपने गंदे कुएँ तामीर किए हैं। मैं अभी यहाँ क्लासरूम्स का दौरा कर रहा था तो मैंने देखा कि जब यहाँ क्लासरूम्स की खिड़कियाँ खुलती हैं तो उनकी सारी बदबू इन क्लासरूम्स में आती है, जो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। लेकिन इसके लिए हमने ना सिर्फ वासा बल्कि हुकूमत के ऐवानों में भी आवाज़ उठाई। ना सिर्फ ये बल्कि हमने अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन हमें कोई रिलीफ ना मिल सका, जो इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान में अकलियतें गैर महफूज हैं। मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि इस अदारे को बचाने के लिए, इसकी बका के लिए जो हमारे नुमाइंदे असम्बलियों में बैठे हैं वो इसकी आवाज़ उठाएं, और जिन्होंने आवाज़ उठाई है अगर उनकी आवाज़ पर मुअस्सर कार्रवाई नहीं हो सकी तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी कौम के मफाद के लिए, इस अदारे को बचाने के लिए पंजाब असम्बली के बाहर धरना दें और हम मसीही तहरीक बेदारी उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होगी। थैंक यू वेरी मच।